अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आज आप बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, इसका लेक्चर नंबर 22, रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट को डिस्कस किया जाता है। यानी कि होम्योस्टेसिस में जब आप पढ़ते हैं रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मोरेगुलेशन के किडनीज किस तरह से अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट को कंट्रोल करती हैं, ब्लड के अंदर ये किस तरह से इनको कंट्रोल करेंगी या बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें किस तरह से ये कंट्रोल करेंगी, तो इसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो किडनीज के इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो ये क्या करती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये अमाउंट ऑफ वाटर को और साल्ट को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इज डिस्कस्ड। यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो किडनीज होती हैं अमाउंट ऑफ वाटर को और साल्ट को कंट्रोल करती हैं। ये था ऑस्मोरेगुलेशन। अभी आप देखेंगे किडनीज का फंक्शन या रोल क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन में। जैसे कि आप जानते हैं किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, यानी कि किडनीज क्या हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं जो अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट को ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं, यानी इनकी रेगुलेशन करती हैं, यानी वाटर और साल्ट की अमाउंट को ब्लड के अंदर मेंटेन रखती हैं, नॉर्मल रखती हैं। तो ये किस तरह से नॉर्मल रखेंगी, यहाँ पे थोड़े से छोटे से आपको स्टेप्स बताए गए हैं, ये आपको इस चीज़ को समझाने में मदद देंगे कि किडनीज किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे देखें, कहते हैं इनको आप कंपेयर करेंगे, कहते हैं ब्लड कंटेन्स एक्सेस ऑफ वाटर। आपको पता है कि जो ब्लड होता है इसके अंदर पानी होता है और पानी बेशुमार होता है, एक्सेस ऑफ वाटर ऑफ अमाउंट, पानी की एक्सेस अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा पानी जो है ये किधर होता है, ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। तो उसमें देखें आपको पहले भी प्रोसेस पढ़े हैं जिसमें आपने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था नेफ्रॉन, याद होगा आपको नेफ्रॉन का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें आपने पढ़ा था ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्स्यूल होते हैं, रीनल आर्टरीज होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं और कैपिलरीज वगैरह होती हैं, यह आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। पीछे वाले जो लेक्चर हैं अपने में से नेफ्रॉन का जो लेक्चर था उसमें आप देख सकते हैं, ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो बोमेंस कैप्स्यूल, रीनल ट्यूब्यूल, कैपिलरीज, ये सारी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आती हैं। और नेफ्रॉन आपको पता है एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है, सबसे पहले कहते हैं ब्लड कंटेंट एक्सेस ऑफ वाटर, पानी जो है ये ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है पानी की, तो ये पानी जब फिल्टर होता है तो किस तरह से होता है, वाटर फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, जैसे कि आपने नेफ्रॉन के अंदर पढ़ा था ग्लोमेरुलस होता है, वहाँ से ये फिल्टर होता है टू द बोमेंस कैप्सूल, जो मैंने आपको बताया था कप शेप स्ट्रक्चर होता है। तो पानी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होता हुआ बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाता है, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में लेस री एब्जॉर्प्शन होती है, यानी बहुत ही कम री एब्जॉर्प्शन, दोबारा री एब्जॉर्ब बहुत कम होता है। तो ये कहाँ से होगा, रीनल ट्यूब्यूल से कैपिलरीज के अंदर, यानी कि री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है रीनल ट्यूब्यूल से कैपिलरीज में बहुत ही कम होगा, यानी कैपिलरीज के अंदर थोड़ी थोड़ी री एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद कहते हैं जब ये प्रोसेस होगा, जब पानी फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में और वहाँ से रीनल ट्यूब्यूल से थोड़ा सा जाएगा ये री एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए कैपिलरीज में, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं री एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रही है इस वजह से जो यूरिन है ये अबंडेंट अमाउंट में बनेगी, यानी यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो फिर कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड वाटर में नॉर्मल, जब आपके अंदर यूरिन एक अबंडेंट अमाउंट में बढ़ती है क्योंकि री एब्जॉर्प्शन भी कम हो रही है, पानी एब्जॉर्ब भी कम हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा यूरिन बहुत ज़्यादा बनेगी, जब यूरिन बहुत ज़्यादा बनेगी तो आपके ब्लड के अंदर जो वाटर है इसकी जो अमाउंट है ये क्या रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल अमाउंट में
वहां पे रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है, इसलिए अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड वाटर रिमेन नॉर्मल। ये तो था अगर आपके ब्लड के अंदर एक्सेसिव वाटर है तो अगर रीअब्जॉर्प्शन कम होती है तो ये कैसे यूरिन बनती है, कितनी यूरिन बनती है और कहाँ पे उसका जो अमाउंट है उसकी नॉर्मल रहती है कि नहीं। अब अगर देखें इसका थोड़ा सा अपोजिट अगर देखें आप, यहाँ पे कहते हैं इफ़ अमाउंट ऑफ वाटर लेस देन नॉर्मल, अगर आपकी जो आपके वाटर का अमाउंट है वो लेस देन नॉर्मल हो, नॉर्मल होना चाहिए लेकिन उससे कम है, तो फिर क्या होगा, जाहिर है अगर पानी है ही कम तो वो उसकी फिल्ट्रेशन भी कम होगी, लेस वाटर इज फिल्टर्ड। कहाँ पे आपको पहले बताया ग्लोमेरुलस से वोमेंस कैप्सूल में, वहाँ तो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर थी इसलिए ज़्यादा फिल्टर हुआ था, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ही कम है इस वजह से, अमाउंट ऑफ वाटर कम होने की वजह से वाटर की फिल्ट्रेशन भी कम होगी, यानी ग्लोमेरुलस से वोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पानी की अमाउंट कम होती है इसलिए वो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होता है। कहाँ से कहाँ, वहाँ पे आपने पढ़ा था रीनल ट्यूब्यूल से कैपिलरीज में, यहाँ भी वही बात है लेकिन सिर्फ इतना है वहाँ पे लेस रीअब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल टू कैपिलरीज। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था जब रीअब्जॉर्प्शन कम होती है तो पानी जो है ये यूरिन में ज़्यादा कन्वर्ट होता है, अबंडेंट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे क्या होगा लेस अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेटेड प्रोड्यूस्ड, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे बहुत कम यूरिन प्रोड्यूस होती है, जो यूरिन प्रोड्यूस होगी ये बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड होगी, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर एंड ब्लड रिमेन नॉर्मल, यहाँ पे फिर क्या होगा, लास्ट में वही बात है कि अमाउंट ऑफ वाटर और ब्लड जो है यहाँ पे नॉर्मल रहेंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक था रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मोरेगुलेशन, लेक्चर नंबर 22। नेक्स्ट में आप किडनी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, किडनी स्टोन्स पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 23 में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।